प्राण नहीं छोड़े थे पिता माह ने, किस लिए कि मुझे आस है, मुझे विश्वास है एक दिन तो वो सांवरा जरूर आएगा, एक दिन तो वो ठाकुर जरूर आएगा। मैं उनका दर्शन करूंगा और दर्शन करके मैं अपने शरीर को छोड़ूंगा। आज मानो भगवान प्रातः काल की प्रतीक्षा को करते हुए न जाने वो कैसे रात्रि निकली, पांडवों को संग लेकर रणभूमि में पहुंचे, शरशैया पे लेटे हुए भीष्म पिता महार्त भाव से आज भगवान को देख रहे हैं। आर्तता तन की नहीं है, दुख तन का नहीं है, दुख है तो केवल इस बात का हाँ कि भगवान अभी तक क्यों नहीं आए। प्यारे भीष्म जैसा उदाहरण और दूसरा कोई नहीं हो सकता। आज तो दुनिया वाले कह देते हैं कि उसको शूलियों पे लटका दिया, शूलों पे लटका दिया, इसलिए वो भगवान है। दो शूलों पे लटक के कोई भगवान नहीं बन सकता। अगर वो वहां का भगवान हो सकता है तो फिर हमारे भगवान कितने महान होंगे। हमारे तो संत महापुरुष कुरुक्षेत्र की भूमि में इतने इतने दिनों तक शरशैया पे लेटे रहे, उफ तक नहीं करी शरीर से। हाँ, अगर महापुरुष हमारे इतने बलशाली इतने धैर्यशाली हो सकते हैं तो हमारे भगवान कैसे होंगे। प्यारे किसी ने कहा कि मैं भगवान का दास हूँ, किसी ने कहा मैं भगवान का भक्त हूँ। गीता में केवल मेरे भगवान ने ये बात कही कि मैं ही भगवान हूँ। हमारे सनातन में भगवान ने ये नहीं कहा मैं भगवान का दास हूँ, यही कहा कि मैं ही भगवान हूँ और दृढ़ता से कहा। और प्रत्यक्ष इसका दिग्दर्शन धर्म शास्त्रों में बार बार होता है, इस बात की पुष्टि बार बार होती है हमारे सनातन में कि भगवान वास्तव में ही कृष्ण का व राम का रूप लेकर आए हैं। इसलिए आज पांडवों को बड़ी सुंदर धर्म की शिक्षा दी भीष्म पितामह ने कि हे पांडवों, मैंने अन्याय किया था तुम्हारे साथ जिसकी मुझे सजा मिली है, परंतु मैं भी नियमों में बंधा था, जिसका मैंने खाया उसके प्रति मुझे निभाना तो था। याद आई वो सारी बातें किरण भूमि में जिस समय तीर पे तीर चल रहे थे और कहते हैं कि कौरव युद्ध हार रहे थे, आज अर्जुन के उस जीतते हुए अर्जुन को देखकर आज दुर्योधन ने कटाक्ष कर दिया था पितामह के ऊपर। पितामह मुझे लगता है ऐसा ज्ञात होता है कि खड़े तो आप हमारी ओर हो युद्ध करने के लिए, परंतु पक्ष आप पांडवों का ले रहे हो, नहीं तो हमारे तो इतने बड़े बड़े वीर मारे गए युद्ध भूमि में, पांडव तो पांच के पांच जीवित है, उनका तो एक भी नहीं मरा, हमारे इतने मर गए। हाँ, क्या लाभ आपकी इस शूरता का और क्या लाभ आपकी इस वीरता का। उस समय क्रोध में पितामह ने संकल्प ले लिया कल रणभूमि में एक पांडव को समाप्त करूंगा, और वो पांडव कौन होगा, कहा जिसके बल पर ये पांडव इतना उछलते हैं उस अर्जुन को ही मैं कल प्रतिज्ञा कर ली। और प्रभु ये प्रतिज्ञा कोई साधारण प्रतिज्ञा नहीं, हमारे संकल्प तो पता नहीं कब विकल्प में बदल जावे, हम तो संकल्प लेके न जाने उस संकल्प को कब भुला देवे। वो प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा थी और वही हुआ प्रभु कि अगले दिन वो रात जब हुई अर्जुन सो रहे थे, गोविंद ने आके उठाया, अरे अर्जुन तू सो रहा है, कल तू मरने वाला है, तुझे जरा भी चिंता नहीं। अर्जुन कहता है कृष्ण को, रे कृष्ण जिसका रखवाला तू है वो क्यों अपनी चिंता करे। भगवान ने कहा उड़ ले चादर, तू सो जा, फिर अगर तूने ये बात कह दी तो सो जा, तेरी चिंता मुझे है। द्रौपदी का हाथ पकड़ा भगवान ने और चल पड़े उस रात्रि के समय उस कुटिया की तरफ जहां भीष्म पितामह ठहरे थे। कहा देवी ध्यान रखियो, घूंघट मत उतारियो, बस जाके भीष्म पितामह के पांव छू लियो एक बार, परंतु बताना मत उनको कि कौन तुम्हें यहां पर लेके आया था। ठीक है प्रभु, गए छन छन की वो आवाज, भगवान वृक्ष के पीछे छुप गए, द्रौपदी को इशारा कर दिया, कुटिए के समक्ष द्रौपदी गई, पितामह बाहर निकले, चरण छू दिए, चरण छू दिए। अब
प्रभु जैसे ही चरण छुए सौभाग्यवती भवा। शब्द निकल गया मुख से, कोई साधारण शब्द नहीं था, भीष्म पितामह की वाणी थी जिसे भगवान भी नहीं डाल सकते थे। जैसे ही कहा सौभाग्यवती भवा, घूंघट हटाया, देखा द्रौपदी को, अचंभित हो गए पितामह। और द्रौपदी ने पूछ लिया, प्रभु अब मैं आपकी इस बात को सत्य मानूं जो आपने अभी अभी मुझे कहा सौभाग्यवती भवा, या मैं आपकी उस बात को सत्य मानूं जो रणभूमि में आपने आज वचन किया, कल रणभूमि में एक पांडव को मारूं, क्योंकि अगर एक पांडव मरा तो मैं विधवा हुई। तो प्रभु बताओ आपकी कौन सी बात सच्ची है। पितामह ने कह दिया, हे द्रौपदी समय तो तू इसी बात को सच्ची मान जो मैंने तुझे अभी कहा, परंतु भीमसेन को मैं जानता हूं, उसमें इतनी बुद्धि नहीं है कि वो तुम्हें यहां तक ला सके। अर्जुन ऐसा सोच भी नहीं सकता, नकुल सहदेव अभी बालक हैं, धर्मराज युधिष्ठिर मर्यादाओं को नहीं तोड़ सकते, तो सच बता दे तुझे यहां पर कौन लेके आया है। समझ तो गए थे पितामह, परंतु मुख से सुनना चाहते थे। द्रौपदी भी धर्म संकट में पड़ गई, कृष्ण ने कह दिया था कुछ बोलना नहीं, और पितामह ने पूछ लिया कि कौन लेके आया। धर्म संकट में पड़ी ही द्रौपदी ने इशारा कर दिया, प्रभु वो जो मुझे लेके आया है ना, वो पेड़ के पीछे खड़ा है। अब मुस्कुराते हुए पितामह आगे बढ़े, एक हरे छलिया, अगर तूने छल कर ही दिया तो अपना रूप भी दिखला दे। अब गोविंद से रहा नहीं गया, आपका कहा पितामह प्रणाम, कहा हे प्रभु प्रणाम, तो आपको मेरी प्रतिज्ञा तुड़वा दी। गोविंद ने कहा कि हे पितामह, धर्मज्ञ धर्म के लिए प्रतिज्ञाएं तोड़ते रहते हैं। हे गोविंद, ये कोई साधारण प्रतिज्ञा नहीं थी, वचन देना पड़ेगा तुम्हें, तूने मेरी प्रतिज्ञा तुड़वाई है गोविंद, अब मैं तुझे पहले वचन देता हूं कि मैं भी तेरी प्रतिज्ञा तुड़वा के रहूंगा। रणभूमि में तूने प्रतिज्ञा करी थी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं तेरे से शस्त्र उठवाऊंगा। कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुरा के प्रणाम करके वहां से चलते हैं। अगले दिन रणभूमि में बड़ा भारी युद्ध होता है महाराज। कौरव आज सारे पांडवों को रणभूमि में अलग विलग कर देते हैं कि आज अर्जुन को अकेला छोड़ना है और अर्जुन को आज मारना है। जब युद्ध हुआ, भीमसेन को उलझा लिया दुर्योधन ने, और प्रभु नकुल सहदेव को अनेकों अनेक कौरवों ने उलझा लिया, और दूसरी ओर धर्मराज युधिष्ठिर कहीं और भी चल गए, तो कहते हैं अर्जुन का रथ बीच में अकेला रह गया। सारथी है कृष्ण, कौरवों ने रथ को घेर लिया, और पितामह ने बाण पे बाण बांध दिया अर्जुन के ऊपर। रथ का पहिया डिगा, पहिया टूटा, और गांडीव के ऊपर जैसे ही निशाना बंधा, पितामह का गांडीव का तिनका टूट के गिर गया। महाराज गांडीव टूट के गिर गया, धड़ाम से आज अर्जुन नीचे गिरे, और छाती के ऊपर आज भीष्म पितामह ने तीर तान दिया। गोविंद सारथी बन के देख रहे हैं, जब ये स्थिति देखी मेरे गोविंद ने, रहा नहीं गया, दौड़ कर देखते हैं हरे कुछ है कुछ है, उसी रथ का टूटा हुआ पहिया पड़ा था, दौड़ के उठाया और उसी पहिए को चक्र मेरे भगवान ने बना दिया। और जैसे ही वो पहिया चक्र बना, कहते हैं भीष्म पितामह भगवान के समक्ष खड़े होकर कहते हैं, देव देव हे देव, धन्य हो धन्य हो धन्य हो मेरे प्रभु, आपके इस रूप को देखकर हे प्रभु, उस समय मेरे मन के जितने काम क्रोध लोभ विकार विष वासनाएं थी, उस चक्र को देखकर मानो काम क्रोध लोभ मोह विष विकार वासनाएं सब कट गई मेरे प्रभु, मेरे जीवन के द्वंद समाप्त तो हो गए कि मेरे गोविंद चक्र धारण करके खड़े हैं। और हे प्रभु, अर्जुन आए उस समय दौड़े हुए, गोविंद हे गोविंद ऐसा मत करियो प्रभु, ऐसा मत करना, मैं मरूं तो मर जाऊं, परंतु आप अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़ना, मेरे लिए शस्त्र मत उठाना। मानो गोविंद ने भी मन ही मन कह दिया, हो रे तू मरे तो मर जाए, तेरी क्या चिंता, मुझे आज चिंता है तो अपने भक्त भीष्म की, जिसके लिए मैंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, जिसके लिए मैंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी कि प्यारे
वो भगवान भी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं एक बार अपनी, परंतु भक्त में वो भाव होना चाहिए कि वो भगवान की प्रतिज्ञा को तोड़वा सके।